नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बार फिर से ब्याज में बढ़ोतरी हो गई है। भारत सरकार ने 1 जनवरी से नया ब्याज दर लागू कर दिया है। अभी आपको पोस्ट ऑफिस में रखना है पैसा तो कौन कौन सा ब्याज आपको मिलने वाला है, कौन सी स्कीम में बढ़ोतरी की गई है और 1 लाख रुपये अगर आप लगाते हो तो उसके सामने कितना पैसा मिलने वाला है, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले साथियों, बात करें तो पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम है सेविंग बैंक स्कीम, यानी कि बचत योजना। उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4%, यानी कि 4%, और उसमें कोई बढ़ोतरी की नहीं गई है, उसमें 4% ही रहा है। 1 लाख अगर आप डालोगे तो उसके सामने आपको मिलेगा 1,04,000 रुपया। अभी साथियों, आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट 4 टेनर में होती है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। यहाँ पे हम बात करें 1 साल तो इसका 6.9 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि नया कोई बदलाव नहीं है, वही है। 1 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1,07,080 रुपया। अभी साथियों, आगे बात करें तो पोस्ट ऑफिस की अगर आप 2 साल के लिए FD रखना चाहते हो तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7, जो कि अभी सेम ही है, 7% ही है। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1,14,371 रुपया। अभी साथियों, हम आगे बात करें तो पोस्ट ऑफिस की 3 साल की FD, 3 साल की FD की बात करें तो इसका 7% था, जो कि अभी बढ़ा के कर दिया है 7.10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। अभी आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिलेगा 1,30,560 रुपया, यानी कि इसमें बढ़ोतरी की गई है। अभी साथियों, आगे बात करें तो 5 साल, अगर आप 5 साल में FD करते हो तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5, जो कि अभी बढ़ा नहीं है, 7.5 ही रहा है। तो आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1,38,570 रुपया। अभी साथियों, हम आगे बात करें तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना, जो कि काफ़ी पॉपुलर है पब्लिक के बीच, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.7, फिलहाल अभी इतना ही रखा गया है 6.7। इसके अंदर अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे 5 साल तक तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 71,365 रुपया। अभी साथियों, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम MIS मंथली इनकम स्कीम। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.4, जो कि फिलहाल अभी इतना ही रखा गया है। इसमें आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके सामने आपको मिलेगा 1,37,000 रुपया। अभी साथियों, हम आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.2। हालांकि यह स्कीम सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली है, लेकिन इसके बराबर अभी एक और स्कीम आ गई है जो आपको ज़्यादा ब्याज देगी। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2, ओ जो कि सेम है। उसमें 1 लाख रुपये आप डालोगे तो आपको मिलेगा 1,41,000 रुपया। अभी साथियों, हम आगे बात करें तो इसमें पोस्ट ऑफिस में NSC स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.70, जो कि अभी फिलहाल सेमी है 7.70। इसमें आप 1 लाख रुपये लगाओ तो आपको मिलेगा 1,41,000 रुपया। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, एक बेनिफिट है। अभी आगे बात करें तो किसान विकास पत्र KVP स्कीम, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5, जो भी फिलहाल यही सेम रखा गया है। और आप इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो 9 साल 7 महीने में यह पैसा डबल करने वाली स्कीम है। 1 लाख आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2 लाख रुपया हो जाएगा। अभी बात करते हैं आगे PPF अकाउंट। पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत आशा भी थी PPF अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं बढ़ते दिख रहे हैं। 7.1% था इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिलहाल अभी इतना ही रखा गया है 7.1। इसमें आप 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिलेंगे 3,15,580 रुपया 15 साल के बाद। अभी साथियों, हम आगे बात करें, अगर आपके घर में छोटी गुड़िया है 10 साल से नीचे की, तो उसके लिए आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाए हो तो उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, जो कि पहले 8% था, जो कि अभी बढ़ के 8.20 हो गया है। अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करोगे 15 साल तक तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 29,37,000 रुपया। दोस्तों, एक लिस्ट है कैसे क्या बढ़ोतरी हुई है। आप अगर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज ही पोस्ट ऑफिस चले जाइए और अपना अकाउंट खुलवा के पोस्ट ऑफिस में पैसा रख सकते हो। सुरक्षित है, सेफ है। जय हिंद, जय भारत।